11-12 बजे तक सोना, घंटों टीवी देखना, खेलना कूदना, पूरे दिन घूमना फिरना। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको संडे का इंतज़ार ना हो। सभी लोग पूरी दुनिया में कैलेंडर में टिक करके रखते कि संडे कब आएगा, 4 दिन बचे, 3 दिन बचे, 2 दिन बचे। उनमें बहुत एक्साइटेड होता है संडे को लेकर, क्योंकि वो लोग बहुत कुछ प्लान कर लेते हैं कि इस वीक इस दिन को हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो सोच लेते हैं। तो ऐसा कोई नहीं दुनिया में जिसको संडे का इंतज़ार नहीं होता है, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी होती है। तो दोस्तों आखिर संडे को ही क्यों छुट्टी होती है? फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इतने सारे डेज है, उन दिनों की छुट्टी नहीं होती है? हाँ, तो आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, बुझाऊंगा, इसका हिस्ट्री, बैकग्राउंड सब कुछ बताऊंगा कि संडे को क्यों छुट्टी रखा गया और कैसे अब ये पूरी दुनिया में मतलब लोग इंतज़ार करते हैं संडे का और संडे को एज अ हॉलीडे मनाते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो बेसिकली दोस्तों, संडे को छुट्टी मनाने का कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। तो पहले हमारे भारत के मूल इतिहास में संडे को एज अ छुट्टी, रविवार को एज अ छुट्टी नहीं मनाया जाता था। उस दिन उस टाइम पे क्या था, मतलब कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं था कि आज ही के दिन हम लोग मतलब छुट्टी को सेलिब्रेट करेंगे, है ना। उस टाइम पे क्या होता था, मतलब लोग तब छुट्टी लेते थे जब उनके भगवान का मतलब पूजा करना होता था। जिस दिन उनके भगवान की पूजा करनी होती थी तो उस पर्टिकुलर दिन को वो लोग छुट्टी मतलब मनाते थे, मतलब ले लेते थे, अपने काम धंधा छोड़ के उस भगवान की पूजा करते थे। जैसे कि देखो, सैटरडे सैटरडे को जो शनि भगवान के जो डिवोटीज मतलब भक्त लोग हैं वो लोग मतलब शनिदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वो उस दिन अपना काम धंधा, काम कारोबार जो भी है वो सब छोड़ के वो पूरे दिन सिर्फ उनकी पूजा मतलब पूजा में ही लीन रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे एक छुट्टी हो गया। और रविवार को जैसे देख सकते हो आप, मतलब सूर्य भगवान की जो पूजा करते हैं वो लोग रविवार को छुट्टी लेते थे पहले, ठीक है। तो उस दिन वो लोग सिर्फ सूर्य भगवान की मतलब पूजा पाठ किया करते हैं। मंगलवार को वो लोग छुट्टी ले लिया करते थे जो लोग हनुमान जी के मतलब भक्त हुआ करते, जो हनुमान जी की पूजा पाठ किया करते थे, है ना। तो ऐसा था पहले। जैसे ही उसके बाद क्या हुआ, मुगल आए। तो मुगलों का क्या था, मुगल जो थे वो मुसलमान धर्म से थे। तो मुसलमान धर्म में फ्राइडे को मतलब कि शुक्रवार को वो मस्जिद में जाया करते थे। तो उस दिन वो लोग नमाज वो करते थे मस्जिद में। तो इसलिए जब तक मुगलों ने शासन किया हमारे भारत में, तब तक शुक्रवार को एज अ छुट्टी मनाया जाने लगा। फिर उनके बाद मतलब मुगल्स के जाने के बाद आया ब्रिटिशर्स आए उसके बाद। तो ब्रिटिशर्स एज आप सब जानते हो कि किस मतलब रिलीजन से वो लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करते हैं। तो क्रिश्चियंस की जो किताब थी जिसका नाम था जेनेसिस, तो उस पे लिखा था कि भगवान ने किस तरीके से इस पूरी पृथ्वी का निर्माण किया है। तो भगवान ने टोटल 6 दिनों में इस पृथ्वी का मतलब निर्माण किया, मतलब बनाया उनके भगवान ने, ठीक है। तो पहले दिन उन्होंने बनाया रात और दिन, दूसरे दिन बनाया समुद्र और आकाश, तीसरे दिन बनाया धरती और पेड़ पौधे, और चौथे दिन बनाया स्टार, मून और सन मतलब कि तारे, चंद्रमा और सूरज, पांचवे दिन बनाया समुद्र के जानवर और क्या कहते पक्षी पक्षी बर्ड्स, और उसके बाद छठे दिन बनाया जमीन के जानवरों को और हमें मतलब कि इंसानों को, और सातवें दिन जो था उनके भगवान ने रेस्ट लिया, और वो सातवां दिन था संडे। तो इसलिए हम संडे को क्या है, एज अ हॉलीडे मनाते हैं। तो यही था इसके पीछे का रीज़न। और तब से लेके आज तक हम संडे को एज अ हॉलीडे मनाते हैं। देखो कितनी अच्छी चीज़ है ना, जो ब्रिटिशर्स छोड़ के गए थे, आज भी हम वही फॉलो करते हैं। जैसे कि उनकी इंग्लिश वो तो अभी भी रह गई है। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी या आपको पहले से पता था संडे क्यों मनाया जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। और जिस जिसको ये वीडियो अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, वो भी कमेंट करके बता दो या फिर लाइक दे दो, उसी से पता लग जाएगी अच्छा लगा है। और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए लाइक शेयर कर दो, और थैंक यू।